नमस्कार, विकास गैजेट का और एक नया वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया राउटर अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा जो बिल्कुल नया है। दोस्तों, ये जो राउटर है ना, गेमिंग के लिए बनाया गया है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। दोस्तों, ये राउटर डीलिंग की तरफ से आते हैं। डीलिंग के जो मॉडल नंबर है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर सामने इसका जो मॉडल नंबर है सामने ही लिखा रहता है, DIR 1950। दोस्तों, ये जो राउटर है, ये राउटर स्मार्ट राउटर है जिसको गूगल असिस्टेंट एंड एलेक्सा से आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एलेक्सा टर्न ऑन माई राउटर, तो ये राउटर ऑन हो जाएगा। एलेक्सा टर्न ऑफ माई राउटर, तो ये राउटर ऑफ हो जाएगा। उसी तरफ से गूगल असिस्टेंट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपका फ़ोन में गूगल असिस्टेंट रहते हैं उसे बता के, नहीं तो गूगल असिस्टेंट का जो मतलब जो स्मार्ट डिवाइस है, आप लोग जानते हैं घर में रहते हैं, उनको बताने से और ये भी ऑपरेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत सारा कुछ फीचर्स है। इसका जो बैंड है, ये डुअल बैंड है, मतलब 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ का एक बैंड, मतलब दोनों बैंड सपोर्टेड करता है। ठीक है, और दोनों बैंड का जो है नेटवर्क जो है तगड़ा क्वालिटी का है। दोस्तों देखिए, इसके ऊपर इधर गूगल असिस्टेंट एलेक्सा का दोनों लोगो है। इसके बाद इधर देखिए, ये दिखा रहा है एक वाईफाई सर्टिफिकेट इजी मार्क्स, और इसके बाद देखिए ये डुअल बैंड है इधर दिखा रहा है। ठीक है, इधर एक लिखा हुआ है डुअल बैंड है। इतना बढ़िया क्वालिटी का राउटर तो डुअल बैंड तो होना ही चाहिए ना। इसके बाद नीचे में देखिए, इधर स्पीड दिखा रहा है AC 1900। इसके बाद डुअल बैंड है, और इसका जो पोर्ट है गीगाबाइट पोर्ट है। न्यू मेमो टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। स्मार्ट कनेक्ट मतलब ये जो है डिवाइस को ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। और प्रोफाइल बेसिक मतलब जो एक करके यूजर आईडी रहते हैं ना, सभी यूजर आईडी को आप प्रोफाइल बेसिक, इसको किसको नेटवर्क ज़्यादा देना है, किसको नेटवर्क बढ़िया देना है, ये सब कुछ इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर देखिए एक लिखा हुआ है हाई कैपेसिटी नेटवर्क। इसका जो नेटवर्क जो है हाई कैपेसिटी है। इसके बाद चलिए इस साइड में मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए इधर स्पीड के बारे में बताया गया है, कुछ डिटेल्स, जितना भी सारा डिटेल्स है ये सभी का थोड़ा सा डिटेल्स लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो स्पीड है 600 Mbps तक देता है, और 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो है 1300 मतलब 1300 Mbps तक स्पीड देता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलिए इस साइड में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ राउटर का। इस साइड में देखिए राउटर के साथ क्या क्या मिलता है। एक इथरनेट केबल मिलता है, एक पावर एडाप्टर मिलता है, यूजर मैनुअल मिलता है, और हमारा मेन जो चीज़ होता है राउटर मिलता है। तो अभी चलिए इस राउटर को हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। राउटर अनबॉक्सिंग करने के लिए हमने ये वीडियो बना रहा है, तो चलिए बहुत देर कर चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, ये है राउटर का, मतलब पेपर हटाने से के बाद इस तरफ का दिखता है। इधर जो डिजाइन है बहुत बढ़िया तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो अभी चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। भाई साहब, राउटर को देखिए एक बार, भाई जबरदस्त लग रहा है। तो ये है यूजर गाइड्स, ठीक है, गूगल असिस्टेंट एलेक्सा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं। तो क्या क्या है एक एक करके उठा लेते हैं। पहले राउटर को उठा लेते हैं, उठा के रख देते हैं। इसके साथ जो मिलता है ये है हमारा एडाप्टर, एडाप्टर को साइड में रखते हैं। और ये है केबल जो है Cat6 केबल, तो इसको साइड में रखते हैं और ये डिब्बा को हटा देते हैं। तो पहले नंबर में हम लोग एडाप्टर को चेक कर लेते हैं, जो एडाप्टर में क्या मिलता है, कॉन्फिगर क्या है, मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है इसमें। दोस्तों देखिए एडाप्टर में जो स्पेसिफिकेशन है ये दिखा रहा है। देखिए ये है इनपुट जो वोल्टेज देता है 100 से 240 वोल्ट तक, और आउटपुट देता है 12 वोल्ट, 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अभी चलिए हमारा जो राउटर है, राउटर को हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेंगे। ऐसा राउटर को देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब देखिए कुछ रोबोट टाइप का लग रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा घुमा के फिरा के दिखा देता हूँ डिजाइन इसका। ये चारों सिग्नल्स के लिए स्ट्रिंग है,
इधर देखिए डीलिंग का लोगो दिखाई दे रहा है, लिखा है एकदम बिल्कुल सही तरीके से। इसके बाद देखिए पूरा मतलब ये जो है ना, ये आपका ये सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए कुछ लाइट जो है बताते हैं राउटर कौन सा परिस्थिति में है, ऑन है ना ऑफ है, राउटर का नेटवर्क है कि नहीं, ये सब बताते हैं इसके साथ। और इस साइड में देखिए, इस साइड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो इस साइड में पूरा जो पोर्ट दिख रहा है सब लैन पोर्ट है। इसके बाद इधर देखिए एक है इंटरनेट का पोर्ट है जो हम लोग ONU से लेके आके इधर देते हैं। इसके बाद देखिए WPS, WPS का मतलब हुआ है आपका जो वाईफाई सिग्नल है वो वाईफाई सिग्नल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये वाला स्विच है, ये वाला स्विच को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। रीसेट करने के लिए ये छोटा करके मतलब गैप करके रखे, कोई भी पिन देके 5 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो राउटर है पूरा नया रीसेट हो जाएगा। इसके बाद पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए ये वाला पोर्ट है, इधर आपको पावर सप्लाई लगाना है। इसके बाद पावर ऑफ ऑन करने के लिए ये वाला स्विच है, इस अभी पावर ऑफ है, ऑन है, इसको प्रेस कर देंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये जो चारों स्टिक है, इस चारों स्टिक को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो चारों स्टिक को ये मूवेबल करता है, तो सीधा भी कर सकते हैं इसको इसी तरफ से, और इसको इस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं, जो चाहे आपका वो ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों तरीके से ये काम कर सकता है, मतलब सीधा जो आपका पसंदीदा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी चलिए राउटर का बैक साइड में चलते हैं, राउटर का बैक साइड में क्या डिटेल्स दिखाया हुआ है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। राउटर का बैक साइड में देखिए इधर एक डिफॉल्ट राउटर सेटिंग करके लिखा हुआ है। राउटर सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको नेट ऑफ करके आपका कंप्यूटर में इस वाला वेबसाइट में जाना है। यूजर जो आईडी है देखिए, यूजर आईडी एडमिन लिखा हुआ है, और आपका देखिए पासवर्ड जो दिखाई दे रहा है, देखिए पासवर्ड देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर देखिए लेफ्ट द फील्ड ब्लैंक, मतलब ये जो पासवर्ड है इसका उधर ब्लैंक है, आपको खुद से आपको देना है पासवर्ड। और इसके बाद इसका जो वाईफाई पासवर्ड है ये देख सकते हैं इधर किस इस तरफ का लिखा हुआ है, ठीक है, आप इधर देख पा रहे हैं। तो ये जो वाईफाई पासवर्ड है, ये वाईफाई पासवर्ड देख के आपका जो सिग्नल है वो कनेक्ट कर सकते हैं आपका मोबाइल में। बट ये वाईफाई पासवर्ड को चेंज करने के लिए पहले आपको इस वेबसाइट में जाना है, आपका इंटरनेट ऑफ करके और राउटर को Cat6 के साथ कनेक्ट करके, नहीं तो इसका वाईफाई को वाईफाई के साथ कनेक्ट करके, उसके बाद कोई भी ब्राउज़र में जाके आपको इस वेबसाइट में जाके एडमिन यूजर आईडी एंड कोई भी एक पासवर्ड देके आप एंटर करना है। उसके बाद आपका ये राउटर का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये राउटर देखिए बहुत मतलब हम लोग ये तो कंपनी के पास से लेके आते हैं, और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक राउटर है। आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे पास से ले सकते हैं, बेस्ट प्राइस में आप लोग को ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर देके रखें, कॉल मत करिए, उधर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो आपको इस राउटर के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।